हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की, कुछ ऐसे फैशन ट्रेंड्स जो कि बहुत ज़्यादा चले हैं लास्ट ईयर, और बहुत सारे फैशन ब्लॉगर्स और मतलब इंडिया में पता नहीं कितना है बट इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए इनके बारे में। कल ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तब देखा मैंने कि किसी ने एक ब्यूटी हैक ट्राई किया हुआ है, मतलब वो वायरल ट्रेंड है, मुझे उसके बाद पता चला। और मैं देख के हैरान हो गई कि यार ऐसी चीज़ वायरल ट्रेंड है, मतलब ऐसी चीज़ें चल रही थी वाकई में और लोग ट्राई कर रहे थे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे वियर्ड मेकअप ट्रेंड्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा चले हैं। तो जैसे कि आपने कुछ बेसिक चीज़ें तो सुनी ही होंगी, जो ब्रैट्स डॉल मेकअप था जिसके अंदर वो, मतलब इंडिया में भी काफ़ी सारे फेमस यूट्यूबर्स ने वो चीज़ करी थी, काफ़ी लोगों को शायद बहुत अच्छी भी लगी हो बट मुझे तो वो ऑनेस्टली बहुत अजीब सी लगती थी। उसके अलावा आपने विगली आईब्रोज वाला ट्रेंड देखा था जिसके अंदर ऐसे ऐसे आईब्रोज की शेप को चेंज कर देते हैं। यार हम लड़कियां इतनी मेहनत करके इतना दर्द सह के अपनी आईब्रोज शेप करवाते हैं और उसमें भी लोग विगली आईब्रोज और पता नहीं ऐसे यहाँ से ऐसे जॉइंट आईब्रोज करके ट्रेंड था उसमें। तो इसी तरीके के ये तो थे कुछ कॉमन, बट जो उसके अलावा जो ट्रेंड्स थे ना, मैं अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अजीब सा ट्रेंड जो मुझे लगा वो था ब्लैक हाइलाइटर का। ब्लैक हाइलाइटर, कैन यू बिलीव, हाइलाइटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि उस पार्ट को हम एनहांस कर सकें और उसमें लाइट सा शेड, शिमरी सा शेड लगाएं, और उसमें आप हाइलाइटर की जगह पे उन पॉइंट्स पे ब्लैक कलर लगा रहे हो। कम ऑन, ऐसे कैसे कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे। उसके बाद आपने फेक फ्रैकल्स वाला तो आपने काफ़ी देखा होगा, फॉरेन में बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं लोग फेक फ्रैकल्स, मेहंदी से ऐसे ऐसे अपने फेस पे फ्रैकल्स बना लेते हैं। यार यहाँ इंडिया में हम लोग मरे जा रहे हैं फ्रैकल्स और ये सब हटाने के लिए, और उन्हें नकली बनाने हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, उसके बाद अगला है एक बहुत ही ज़्यादा अजीब, वो है हेयरडू जिसमें कि फ्लावर वास लगा हुआ है आपके सर पे। तो वैसा हेयरडू मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप कभी ऐसा हेयरडू ट्राई करो कि क्या अगर ये वायरल होता है, या आपके कोई फेमस फैशन ब्लॉगर्स ऐसा हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं तो क्या आप उन्हें देखा देखी ऐसा हेयर स्टाइल ट्राई करके कहीं जाओगे, कमेंट करके ज़रूर मुझे ये बताना। उसके अलावा आपने देखा होगा ये DIY नोज जॉब जो आजकल बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक अजीब सी शक्ल होती है पहले उस लड़की की, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स उसके हो जाते हैं और सब कुछ, फिर जब वो धीरे धीरे अपना मेकअप उतारती है तो उसके एक्चुअल फेस सामने आता है जिसके अंदर वो अपनी नकली पता नहीं क्ले होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं, सिलिकन यूज़ करते हैं, और उसकी उससे अपनी नोज को पूरा शेपअप करते हैं। तो ये है एक और ऐसा ट्रेंड जो कि बाहर कई सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। आई डोंट नो ये कितना सही है और कितना गलत है, बट बहुत वियर्ड है ये, क्योंकि उसके उसको हटाने के बाद जो है आपके एक्चुअल फीचर्स सामने आते हैं। उसके बाद आपने सनबर्न टैटूज का ट्रेंड आई थिंक आपने सुना होगा, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स में आप जो है अपना सनबर्न कराते हो, अपने आप को सन टैनिंग लेते हो और उससे टैटूज आपकी जो स्किन पे आपकी वो टैनिंग हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा मुझे। तो एक ट्रेंड था ये। उसके अलावा जो बहुत ही ग्रॉस मुझे लगे, बहुत ही घिनौने और घटिया ट्रेंड्स, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अब ये लास्ट के दो, जिनमें से एक है अंडर आर्म्स ग्लिटर। अंडर आर्म्स में आप ग्लिटर लगा के घूम रहे हो और ऐसे ऐसे करके पोजेस दे रहे हो, कितना ही अजीब और घटिया है ये, आई स्वेयर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये कैसा ट्रेंड है। आप एक इसके साथ साथ एक और था ऐसे अपनी टंग पे आपने ग्लिटर लगा रखा है और ऐसे 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 करके आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो बहुत अजीब अजीब से, तो वो भी बहुत अजीब था कि ग्लिटर वाला, मतलब क्या है यार कैसे कर लेते हो ऐसा। तो इस तरह के, और जो सबसे लास्ट में हम लोगों का आता है सबसे घटिया ट्रेंड, वो था कि लोगों ने अपने फेक नेल एक्सटेंशन कराया, उसके अंदर बीच में एक स्पेस वेकेंट छोड़ के उसके अंदर लाइव जिंदा चींटियां उसके अंदर डाल के उसको ऊपर से कवर कर देते हैं और बाद में वो चींटियां आपके हाथ के अंदर चलती रहती हैं। यार मतलब मुझे तो ये इतना ज़्यादा अजीब, घिनौना और दर्दनाक सा लगा कि आप इंसान होते हुए इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो, इतना घटिया ट्रेंड कि आपने चींटियां अपनी उंगलियों में भर ली, और मतलब क्या है ये, कैसा है, मुझे तो समझ नहीं आया। सो गाइज, आज के लिए तो यही थे वियर्ड और घटिया ट्रेंड्स।
तो आप मुझे जरूर बताना आप इसमें से कोई सा ट्रेंड ट्राई करोगे या फिर इनमें से सबसे घटिया आपको कौन सा ट्रेंड लगा, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।